हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11th क्लास का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ की ट्रिक। इतनी सारी चीजों की हम ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखना जरा, बहुत इजी इजी टर्म्स हैं, लेकिन यार क्या होता है कि सब लोग रूल्स पढ़ने लगते हैं, जो बुकों में रूल्स लिखे हैं वो पढ़ने लगते हैं। तो रूल्स तो हमें फॉलो करना है, लेकिन एक ट्रिकी वे में उन रूल्स को हम लोग एक ट्रिक में चेंज कर लेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें साइंटिफिक नोटेशन देखनी है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, हमें एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करना है, तो हम कैसे किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नंबर या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे? अगर हम ये बात करें तो जैसे ये हमारे नंबर लिखे हैं, हमने कुछ एग्जांपल हमने ले लिए, उनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें किसी नंबर को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें यह बात याद रखनी पड़ेगी कि उसमें पहला नॉन जीरो डिजिट का नंबर आना चाहिए, पहला कोई नॉन जीरो डिजिट का नंबर आना चाहिए। आफ्टर दैट पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट के बाद हम कोई भी नंबर लिखेंगे, और यहां पे पॉइंट लाने के लिए आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद पॉइंट लाने के लिए हमें जितने भी पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं चाहे राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, हम उन सब चीजों को 10 की पावर में लगा देंगे। उन सारी चीजों को हम 10 की पावर में लगा देंगे। अब देखो, हम क्लास ये सब कैसे करने वाले हैं, तो एक बेसिक फंडा है। जैसे मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप उधर या इधर किधर खिसकाना चाह रहे हो, किधर शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो अगर वो देखें कि किधर शिफ्ट करना है, तो अगर आप उस तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो पावर माइनस में जाएगी, अगर आप इस तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो पावर प्लस में जाएगी। ये फंडे आप लोग को ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग को ऑलरेडी आते हैं, लेकिन तब भी हम लोग इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अब जैसे इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो, लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अब जैसे कि ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हमें आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट शिफ्ट करना है, तो इसको हम शिफ्ट करके कहां लाएंगे? यहां लाएंगे। और इसको इस तरफ शिफ्ट करने के लिए हमने कितने नंबरों को, कितने डिजिट को, कितने को क्रॉस किया? तीन। तो तीन को क्रॉस किया, तो 4.9 इंटू 10 to the power प्लस में आने वाला है कि माइनस में आ रहा है? अगर हम इधर गए हैं तो हमारी वैल्यू किसमें आने वाली है? माइनस में आने वाली है। तो ये वैल्यू हमारी किस तरफ शिफ्ट हो गई? माइनस में शिफ्ट हो गई। अब अगर हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहें, तो हमें पॉइंट के पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट रखनी है, केवल एक नॉन जीरो डिजिट रखनी है। तो यहां पे हमें पॉइंट लाना है किसी तरीके से, इसमें पॉइंट नहीं लगा था, हमने अज्यूम कर लिया यहां पॉइंट है, और इसको खिसका के हमें यहां लाना है, ठीक है, इसको शिफ्ट करके हमें यहां लाना है। तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे? तो 5.004 इंटू 10 to the power, अगर हम उस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो पावर किसमें जाने वाली है? प्लस में। तो हमें मिल जाएगा प्लस थ्री। अब हम इस नंबर को अगर चेंज करना हो, तो आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, मेरे वर्ड याद रखना, यहां पे आप लोग लिख लो, आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट करके आपको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10 to the power। उधर ले जाने के लिए हमें पावर क्या करनी है? प्लस में करनी है, तो मीन्स 10 की पावर 2। 10 की पावर क्या हो गया? 2। नेक्स्ट नंबर जैसे ही लिखा हुआ है, ये नंबर हम मान ले रहे हैं 5.0034। अब देखो, ये ऑलरेडी पॉइंट जो है आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है, ऑलरेडी पॉइंट हमारा आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे चेंज करने की कोई नीड नहीं है। इस नंबर को हम एज इट इज 5.0034 लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इसका आंसर आपको 5.0034 इंटू 10 to the power 0 भी मिलेगा, क्योंकि आप 10 की पावर में अगर लिखना चाहो तो भी उसको लिख सकते हो, लेकिन वहां पे 10 की पावर क्या आएगी हमारी? 0। 10 की पावर क्लास क्या रहेगी? 0। अब अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहें, तो कैसे चेंज करेंगे? यहां पे हमने अज्यूम कर लिया पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमें क्या करना है? 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करना है, तो 1 और 2 के बीच में कैसे शिफ्ट करेंगे? तो ये हो जाएगा 1.23, 1.23, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट हमने शिफ्ट किए, तो 10 to the power plus 5, 10 to the power plus 5। तो किसी भी नंबर को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो, तो बहुत इजीली वे में चेंज कर लेंगे। लाइक हमने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे लिख दिया 28.49 इंटू 10 to the power 2। इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? इस पॉइंट को बस हमें यहां शिफ्ट करना है, 2.849 इंटू 10 to the power
थ्री, क्योंकि पॉइंट को उधर शिफ्ट करने में पावर बढ़ जाती है। तो देखो किसी भी नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो आप बहुत इजीली चेंज कर लोगे। लाइक लिखा 0.00128128 ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, तो 1.28 × 10^10 कितना हो जाएगा 123, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि उस तरफ जाने में हमें पावर किसमें मिलती है माइनस में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बाहर सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, तो क्लास हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो हमारी लास्ट एक डिजिट ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है, तो सारी सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट का जो फिगर आता है उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मींस अगर हम एज्यूम कर लें कि किसी चीज को, इसको बोर्ड को हमने मेजर किया, बोर्ड को मेजर किया, बोर्ड को मेजर करने के बाद हमारी जो लेंथ आई है, हमने जो लेंथ मेजर की है वो 12.44 आ रही है, 12.44 आ रही है, 12.44, तो 12.4 जो है वो तो हमारा सर्टेन है, लेकिन ये 4 सर्टेन नहीं है। 4 क्यों सर्टेन नहीं है, क्योंकि 4 सर्टेन नहीं है, 4 के आगे हम ये कह सकते हैं 5 से पहले माने 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में अगर हम बात करें तो डाटा हो सकता था, हो सकता है हमने 4 एज्यूम कर लिया हो, हो सकता है 4 से थोड़ा आगे रहा हो, 5 की तरफ रहा हो, लेकिन हमने 5 को एज्यूम ना करके 4 एज्यूम कर लिया हो। फिर से सुनना क्लास, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं ये हमारा सर्टेन नहीं है, तो ये लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ये सारी डिजिट को मिला के जो आता है उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हमने बहुत अच्छी ट्रिक लिखी हुई है। हमारी ट्रिक क्या है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, हमें सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट कर देना है, पहली नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट कर देना है। तो देखो ये नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, ये मिल गई नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें कितना मिला, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया हमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करना है, और लास्ट तक काउंट करनी है सारी वैल्यू। लेकिन अगर हमें देखा कि लास्ट में हमारे पास जीरो है, जीरो एट लास्ट, लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो उसमें एक केस बन जाता है, ये केस क्या है वो भी हम समझाएंगे। इसमें लास्ट में जीरो नहीं है, इसके लास्ट में जीरो नहीं है, जिसमें जीरो नहीं प्रेजेंट है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करना स्टार्ट करना है। ये नॉन जीरो है तो यहीं से स्टार्ट कर दो, इसके बीच में जीरो आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जीरो नहीं है मतलब सारा काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अगर इसमें हम देखें तो पहले ही नॉन जीरो डिजिट मिल गया, लास्ट भी नॉन जीरो डिजिट है, तो बीच में क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने इसमें क्या बोला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसमें हम बात करें तो देखो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसमें हमें कितने मिल गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, 10 की पावर को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है, मैं लिख दे रहा हूं, एंड 10^10 को हमें सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये नॉन जीरो नंबर नहीं है, ये जीरो नंबर है, इसको काउंट नहीं करना है, ये नॉन जीरो मिल गया लास्ट तक, लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास नॉन जीरो है तो हमें सबको काउंट करना है, तो ये हम तीनों को काउंट करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट आ गए। इसमें हमें 10 की पावर को काउंट नहीं करना है। अब हमने कहां से स्टार्ट किया, 6 से स्टार्ट किया, क्योंकि ये नॉन जीरो है, 6 हमारा क्या है, नॉन जीरो है, ये 6 वाला भी नॉन जीरो है। अगर हम इसको टोटल काउंट करें तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। ऐसे ही सिंपली इसको काउंट नहीं करना है, इसमें हम देखें 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। इसमें हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 सारे काउंटेबल होंगे, सारे 13 डिजिट के अंदर आएंगे। क्यों 13 डिजिट के अंदर आए, क्योंकि पहला और लास्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट आ गया तो सबको काउंट करना है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। अब इसमें लास्ट में जीरो आ रहा है, तो जब लास्ट में जीरो आएगा हमें ये देखना है कि पॉइंट लगा है, पॉइंट प्रेजेंट है कि पॉइंट प्रेजेंट नहीं है।
अगर पॉइंट प्रेजेंट है तो लास्ट जीरो काउंटेबल, तो लास्ट जीरो को हमें काउंट करना है, अगर जीरो प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट जीरो काउंटेबल नहीं होगा। अभी यहां पे पॉइंट नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट जीरो काउंटेबल नहीं होंगे, हमें केवल केवल इतनों को काउंट करना है। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। इसमें पॉइंट लगा है तो सारे जीरो काउंटेबल होंगे, लास्ट जीरो ऑल जीरो आर काउंटेबल, ऑल जीरो लास्ट जीरो काउंटेबल, या हम ये भी कह सकते हैं ऑल जीरो आर काउंटेबल, ऑल जीरो आर काउंटेबल, सारे जीरो हमारे काउंटेबल होंगे। तो 1 2 3 4 5 इस बार हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए होंगे, सारे हम काउंट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट और लास्ट में अगर हम देखें तो हमारा दोनों ही जगह नॉन जीरो है, फर्स्ट और लास्ट में दोनों ही जगह नॉन जीरो है, तो सारे हमें काउंटेबल होंगे, तो हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। मींस कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे हमारा लिखा हुआ है 3.1008, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट नॉन जीरो नंबर है तो सारे काउंटेबल होंगे। हमने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो। अब अगर मान लो ये हमारा, ये ऐसे करके लगाओ, कोई ये नंबर है, हमने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया, ये हमने नंबर एज्यूम कर लिया, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये मिल गई नॉन जीरो, और नॉन जीरो से स्टार्ट करके जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर हमें लास्ट में जीरो मिल गया, लास्ट में जीरो मिल गया, और वो जीरो काउंटेबल है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा काउंटेबल है कि नहीं है, तो लास्ट में अगर जीरो मिला है तो हम ये देखेंगे पॉइंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर पॉइंट प्रेजेंट है तो जीरो आर काउंटेबल, जीरो को काउंट करना है, तो 1 2 3, तो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अगर बाई चांस यहीं पे 310 लिखा होता, तो अब हमें क्या करना है, पहला नॉन जीरो नंबर है, दूसरा नॉन जीरो नंबर है, तीसरा जीरो नंबर है, हमें वो नहीं लेना है, लास्ट जीरो नहीं लेना है, क्योंकि इसमें पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राउंड ऑफ करने पे, तो अब हम लोग राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमें ये डाटा आना चाहिए, तो आप लोग को आ गया। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, हमें क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट देखो, जैसे ये जीरो है, जीरो है, जीरो, ये नॉन जीरो मिल गए, ठीक है, यहां से लास्ट तक देख डिजिट काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3, तो कितने काउंट हो गए, 3 काउंटेबल है, तो यहां पे हम देखेंगे नॉन जीरो है, लास्ट में भी नॉन जीरो है, सारे काउंटेबल होंगे, तो फिर हमें क्या करना है, अगर लास्ट में जीरो आ रहा होगा तो पॉइंट प्रेजेंट है, तो जीरो भी काउंटेबल है, पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, जीरो काउंटेबल नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है, इससे हमारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। हाँ, तो क्लास अब हम लोग राउंड ऑफ देखने जा रहे हैं। राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ करने के लिए हमने कुछ ट्रिकें लिखी हैं। आज की क्लास पूरी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और पूरे के पूरे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन देखा, देन आफ्टर दैट साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, और सिग्निफिकेंट के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं राउंड ऑफ। तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है। हम लोग एज्यूम कर ले रहे, लेट कर ले रहे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसके लिए भी राउंड ऑफ करना है, जिसके लिए भी राउंड ऑफ करना है, मान ले रहे कोई नंबर ये लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है ए ए बी, ठीक है, एन, कोई नंबर मान ले रहे ए बी एन, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी ये आती है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से काउंटेबल, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से काउंट करेंगे तो 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई हमारी, कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। उसके बाद जो नंबर है एन, जहां तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर तक, जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें नंबर देखना है, जहां तक राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ जहां तक करना है उसके बाद वाला नंबर हमने मान लिया एन, जहां तक भी हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर हमने मान लिया एन। जैसे कि कोई हमने पॉइंट लिख लिया 2.44, क्या लिख दिया 2.44, अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 2.4, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टोटल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब हमें इस नंबर को देख के पूरा डाटा कैलकुलेट करना है कि कैसे हम राउंड ऑफ को कैलकुलेट करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करने वाले हैं, तो देखना, तो जिस वैल्यू के लिए हमें राउंड ऑफ की वैल्यू चेक करनी है, उस नंबर को पहले हम ये देखेंगे कि वो नंबर हमारा 5 से कम है कि 5 के बराबर है कि 5 से ज्यादा है। तीनों के एक एक केस कर ले रहे, जैसे 2.4 ले लिया, एक में मैंने 2.4
2.45 ले लिया, एक में मैंने 2.451 ले लिया, एक में मैंने 2.450 ले लिया, एक में मैंने 2.48 ले लिया। ऐसे मैंने कुछ नंबर लिख लिए यहाँ पे। अब मैं राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ, इन सबका राउंड ऑफ करके मैं डाटा निकालने जा रहा हूँ। राउंड ऑफ करने के बाद मुझे क्या आंसर देखना होगा, हम लोग को क्या आंसर देना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वो नंबर जिससे हमें राउंड ऑफ करना है वो नंबर 5 से छोटा है तो एज इट इज हमें लिख लेना है सेम डाटा, जहां तक राउंड ऑफ करना है सेम डाटा लिख देना है। तो हमने देखा 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना था, उसके बाद जो नंबर आया है वो 5 से छोटा है तो छोटा है तो इसको हटा दो, जो सिग्निफिकेंट फिगर है सेम एज इट इज वही हमारा आंसर होगा, मींस 2.4। ठीक है, अगर हमारा वो 5 से बड़ा आ रहा है, अगर वो हमारा 5 से बड़ा आ रहा है मींस 2.49 समथिंग आ रहा है मान लो, तो अब देखो जरा हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, 2 के बाद जो नंबर आता है उसको हम n एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 जो कि हमारा 5 से बड़ा है, 9 जो कि हमारा 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है उसके लास्ट में प्लस 1 ऐड कर देना है। तो ये वैल्यू हटाओ, इसमें हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, ये बन जाएगा 2.5। एक एक वर्ड सुनना, हमने क्या कहा, हमने ये बोला कि अगर वो वैल्यू जिस वैल्यू के बाद हमें राउंड ऑफ करना है वो हमारी 5 से कम आ रही है तो एज इट इज लिख दो, और 5 से ज्यादा आ रही है तो प्लस 1 कर दो। अब 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना था, उसके बाद वाली वैल्यू 5 से कम है तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, ये हमने एज इट इज लिख दिया। 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना था, उसके बाद की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इसमें एक बढ़ा के लिख दिया हमने। अब जैसे कि मान लो 5 के बराबर आ गई, अगर वो वैल्यू 5 के बराबर आ गई, एग्जैक्ट 5 हो गई, तो हमें क्या करना है उसके बाद हमें देखना है आफ्टर 5 देयर इज नो एनी नंबर, अगर कोई नंबर ना हो, या आफ्टर 5 एनी नंबर इज प्रेजेंट एक्सेप्ट 0। हमें पहले ये चेक करना है उसमें 5 के बाद कोई नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे 2 वैल्यू तक हमें राउंड ऑफ करना है, उसके बाद है 5, तो ये बीच वाला केस लगेगा 5। 5 के बाद कोई नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, लिखा है तो उसमें हमें प्लस 1 ऐड कर देना है। इन दोनों में प्लस 1 ऐड नहीं करना, हमें किसमें प्लस 1 ऐड करना है, इस पे किस पे, जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर जा रही है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो इसमें हम प्लस 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 2.5। क्या बन गया 2.5। फिर से देखना क्लास, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे हमने ले लिया 5.97, इसका राउंड ऑफ करना था 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, तो जो नंबर आ रहा है वो 5 से छोटा आ रहा है कि बड़ा, अगर वो बड़ा आ रहा है तो 1 ऐड कर देना, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा 6, हमारा क्या हो जाएगा 6। अगर हमने मान लिया इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5.87, क्या लिखा है 5.87, क्या लिखा है 5.87। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो देखो 5.8 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नंबर है तो हमें 1 ऐड कर देना है, इसमें हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.9, तो हमारा राउंड ऑफ का आंसर आएगा 5.9। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर इफ कह रहा है आफ्टर 5 देयर इज नो एनी नंबर, आफ्टर 5 देयर इज नो एनी नंबर और 0 इज प्रेजेंट, अगर 5 के बाद कोई नंबर नहीं है या 0 है, अगर 5 के बाद कोई नंबर नहीं या 0 है तो हमें क्या करना है, फिर हमें 5 के पहले देखना है, फिर हमें 5 के पहले देखना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो सेम एज इट इज सेम रखना है, ऑड है तो हमें प्लस 1 कर देना है। तो अब देखो जरा, हमें 2 डिजिट तक लेना है, उसके बाद 5 आ गया, माने बीच वाला केस हो गया। अब 5 के बाद कौन सा केस लगेगा, आफ्टर 5 देयर इज नो एनी नंबर, हां तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हमें देखना है 5 के पहले, 5 के पहले इवन है कि ऑड है, 5 के पहले इवन है, 5 के पहले इवन है तो सेम रहेगा 2.4। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें करना है, इसमें हमें करना है राउंड ऑफ करना है, तो इसमें हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 5, 5 के बाद ये चेक करो आफ्टर 5 कोई नंबर है कि नहीं नॉन जीरो, तो आफ्टर 5 कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, 0 है, 0 है तो यही केस लगेगा, ये केस लगेगा, तो हमें उसमें चेक करना पड़ेगा नंबर इवन है कि ऑड है, नंबर इवन है कि ऑड है। बिफोर 5 नंबर इवन आ रहा है तो एज इट इज 2.4 आ जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे 2.350 होता, 2.350 होता तो उसको हम क्या करते, उसको हम क्या करते कि 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है 5, उसके बाद हमारा क्लास क्या आ रहा है 5, उसके बाद अगर 5 आ रहा है, उसके बाद अगर 5 आ रहा है
तो 5 आने पे हमें देखना पड़ता है कि उसके बाद कोई नंबर है कि नहीं, नॉन जीरो, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये वाला केस हो गया। उसके पहले देखो कौन सा है, ऑड, ऑड के लिए हमें क्या करना है, प्लस 1 करना है, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4। अब ये वाला नंबर है 2.48, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, उसके बाद ऑलरेडी नंबर हमारा 5 से ज्यादा है, ऑलरेडी नंबर हमारा 5 से ज्यादा है, तो इसको सीधे 2.5 ले लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, अब हम लोगों ने राउंड ऑफ पढ़ा। राउंड ऑफ करने की बहुत सिंपल सी बात है, हमें कितनी वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले नंबर को हम चेक करेंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो सेम वैल्यू रख देनी है, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के वैल्यू रख देनी है, 5 है तो हमें ये चेक करना है उस 5 के आगे कुछ है कि नहीं है। उसके आगे अगर कुछ लिखा है तो 1 बढ़ा के वैल्यू लिखनी है, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है या 0 लिखा है तो हमें इवन ऑड देखना है उसके पहले। जैसे कि अगर हमने लिख दिया मान लो 8.752, तो अगर हम देखें तो हमें कितनी वैल्यू लेनी है, 2, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 5, 5 के बाद अगर कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8.8। कितना हो जाएगा 8.8, अगर वहीं पे 8.75 लिखा होता तो इसको हम राउंड ऑफ क्या करते हैं, 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, हमें 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद हमारा 5 आ रहा है, उसके बाद हमारा 5 आ रहा है क्लास, 5 आने पे हमें ये चेक करना होता है उसके आगे कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो उससे पहले वाला नंबर इवन है कि ऑड है, उससे पहले वाला नंबर ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ा देना है, इसका मतलब इसमें भी हमारा क्या आएगा 8.88। ठीक है, हाँ, तो क्लास अब हम लोग को राउंड ऑफ करना है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में राउंड ऑफ करना है। तो जैसे ये डाटा दिया है तो इस डाटा को पहले पूरा सॉल्व करके हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक लिखी हुई है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरीके से होता है, इसमें हम लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम वैसे किया जाता है, इसमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, दोनों में डिफरेंस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है, और इसमें हमें क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, डीपी मींस डेसिमल प्लेस, इसमें भी हमारे डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें हमारा 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस हमारा क्या हुआ, लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या हुआ हमारा 1। अब इस लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 का हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले इन सारी वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल वे में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमने काउंट किया, 4 प्लस 1 हो गया हमारा 5, 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6, 1, 2, 3, तो ये हो गया 3.65। क्लास हमारा क्या हो गया 3.65। अब हमारा 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि इसको हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसको हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है मतलब कि हमें 3.65 तक राउंड ऑफ करना है। तो अभी अभी हमने राउंड ऑफ का केस पढ़ा था, जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर हमारा, 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है कि 5 के बराबर है, तो न कम है न ज्यादा है, ये 5 के बराबर है, तो एग्जैक्ट 5 आ गया। जब एग्जैक्ट 5 आता था तो 2 केस, उस नंबर के बाद कोई नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो क्या होगा, फिर हम देखते हैं उससे पहले इवन है कि ऑड है, उससे पहले अगर इवन है तो एज इट इज हम उतार देंगे, तो इसका हमारा राउंड ऑफ आ गया 3.6, हमारा आंसर आ गया 3.6। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेनी है, नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद हमें देखना है डेसिमल प्लेस सबसे कम किसमें है,
डेसिमल प्लेस सबसे कम किस में है? तो सबसे कम डेसिमल प्लेस की अगर हम बात करें तो इसमें दो डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, इसमें भी दो डेसिमल प्लेस आ रहा है, इसमें एक डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में है, तो सबसे कम डेसिमल प्लेस है हमारा वन वाले में, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी हमें वन डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है ये हम लोग को खुद देखना होगा। कैसे देखना होगा? वही काम आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का, राउंड ऑफ का, सबका मिला हुआ यूज आने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर हम इसको देखें, इसको हम करना स्टार्ट कर दें कैलकुलेशन, ये हमारा 3 आ गया, 4 और 2 हो गया, हम गया 6, तो 2 + 1 + 1 हमारा हो गया 4 और ये हमारा हो गया 21। तो 21.463 क्लास। अब हमें देखो इसका हमें आंसर क्या लिखना है, इसका हमें आंसर क्या लिखना है, तो हम क्या आंसर लिखने वाले हैं? तो आंसर लिखने के लिए हमें देखना है कि वन डेसिमल प्लेस आया है, इसमें टू डेसिमल प्लेस आए हैं, इसमें हमारे 3 डेसिमल प्लेस आए हैं, तो सबसे कम डेसिमल प्लेस कौन सा है? 1। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी हमें 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस हमें राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना है 21.46। उसके बाद जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? 5 से बड़ा नंबर आने पे हमें 1 ऐड कर देना होता है। तो ये आंसर आएगा 21.4 + 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5। 21.5। अब देखो अगर जैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है 19.35 - इसमें पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं डेसिमल प्लेस, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, तो अगर हम बात करें इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो हमें कौन सा लेना है? लीस्ट वाले 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, हमें देखना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमारा आंसर आने वाला है, ये आ गया हमारा 5 आ गया, उसके बाद हमारा ये आ गया 4, ये आ गया हमारा 2 और ये आ गया हमारा 17। तो 17.245 हमारा क्या आ गया? 17.245। अब अगर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, मीन्स हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई है? प्रॉब्लम ये आ गई जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद 5 है, और अगर उसके बाद 5 होता है तो 5 के बाद कोई नंबर नहीं आने पे हमें उसके पहले वाला नंबर देखना है 4। अगर ये इवन है तो एज इट इज हम लोग नोट कर लेंगे, ये आ गया 17.24, ये हमारा आंसर क्या हो गया? 17.24। अब डिवाइड में या मल्टीप्लाई में क्या करना होता है? डिवाइड या मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आने वाला है? इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 466 आने वाला है, 466 आने वाला है। आफ्टर 2 डिजिट हमें पॉइंट लगाना है, आफ्टर 2 डिजिट हमें पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, उसके बाद हमें क्या देखना है? इसमें कितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आ रहा है? तो इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक सब काउंट करना है, तो इसमें आ रहे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? ये नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, हटा दो, ये नॉन जीरो है, और पॉइंट लगा है, तो लास्ट के सारे नॉन जीरो काउंट करने हैं, लास्ट के सारे नॉन जीरो काउंट करने, मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो इसका मतलब इसको जो हमें राउंड ऑफ करना है वो कहां तक करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर माने 4.6 तक राउंड ऑफ करना है। 4.6 के बाद जो आ रहा है वो 4.66 आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर है, एक ऐड कर देंगे हम, एक ऐड कर देंगे तो 4.67 हो जाएगा। क्लास फिर से मेरे वर्ड को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो राउंड ऑफ करके आंसर देना है तो हमें इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस और उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। मीन्स सारी कैलकुलेशन कर लो आप, सारी कैलकुलेशन नॉर्मल वे में करने के बाद आप ये देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है, जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है उस लीस्ट डेसिमल प्लेस तक ही हमें राउंड ऑफ करना होता है। इसमें हमें जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना होता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर वही आने वाला है, 4.66 आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4,
चार सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो अभी भी हमें क्या करना है, लिस्ट पे हम लेंगे, लिस्ट को लेंगे तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर वही वाला आने वाला है 4.7। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसमें हमने वहां जीरो ना बढ़ा के इसमें जीरो बढ़ा दिया है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे एक दो तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हमारे एक दो तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लीस्ट तीन ही रहेगा तो मीन्स 4.66 में अगर हम बात करें तो हमें पूरा यहां तक लेना है, और यहां तक लेना है तो इसके बाद जो नंबर है हमारा 4.66 के बाद कोई नंबर नहीं है, जीरो लेंगे, जीरो फाइव से कम होता है तो एज इट इज उतार देंगे तो हमारा आंसर होगा 4.66। अब हमारे जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाए, बहुत सारा मल्टीप्लाई हो, बहुत सारा डिवाइड हो, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे मल्टीप्लाई बहुत सारे डिवाइड में क्या करना होता है, देखो जो चीज मल्टीप्लीकेशन में करनी है वही डिवीजन में करनी है, जो एडिशन में करनी है वही सब्ट्रैक्शन में करनी है, इसमें भी हमें सबसे लीस्ट लेना होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, एक दो तीन चार पांच, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे फाइव सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इसमें इसको काउंट नहीं करना, इसको क्योंकि ये नॉन जीरो नहीं जीरो है, एक दो तीन चार, तो इसमें हमारे आए फोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें हमारे कितने आए, इसमें हमारे कितने आए, इसमें हमारे आए दो सिग्निफिकेंट, और इसमें हमारे कितने आए, इसमें हम बात करें तो ये परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट है, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको हमें नहीं लेना है, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर देखा जाए तो कौन सा मिला, टू, लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या मिला हमारा, टू। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्स डाटा 0.769288 अप्रोक्स मिलेगा, 0.769288 ये डाटा मिलने वाला है, और जैसे ये डाटा मिलेगा अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, उसके बाद नाइन लिखा है, नाइन फाइव से बड़ा नंबर है तो नाइन फाइव से बड़ा नंबर होने की वजह से हमें एक ऐड कर देंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद 0.77 फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ इन एडिशन, राउंड ऑफ इन मल्टीप्लीकेशन, राउंड ऑफ इन डिविजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें देखी हम कैसे देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखनी होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट यूनिट्स पे बात करेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।